नई नवेली दुल्हन को घर में बंद कर ससुराल वाले चले गए दावत में। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दानिश मैदान का है मामला, जहां आज सुबह बहू को घर में बंद कर ससुराल के लोग मेहमान नवाजी में चले गए। उधर बहू तमसील जहरा ने बंद दरवाजे से जब रो रोकर आवाज दी तो राह चलती एक औरत ने उसके मायके जो कि थोड़ी दूर पर है वहां जाकर उसके माँ बाप को घटना के बारे में बताया। परेशान माँ बाप जब उसकी ससुराल पहुंचे तो दरवाजा बाहर से लॉक था। उन्होंने पुलिस को फोन किया। काफी देर के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो ससुराल की दो महिलाएं भी पहुंच गईं। तब जाकर घंटों के बाद दरवाजा खुला। जब अंदर देखा तो लड़की जिसकी शादी 6 माह पूर्व हुई वो फूट फूट कर रो रही थी। बताया गया कि उसका शौहर ताज रजा मुरादाबाद में जॉब करता है और ससुराल के लोग ससुर देवर और नंद उस पर बहुत जुल्म करते हैं, घर वालों से भी मिलने नहीं देते। पुलिस ने उसे थाने भिजवा दिया, जहां पुलिस आरोपियों को पकड़कर कोतवाली नगर में लेकर आ गई है। आगे पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई में जुटी है। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। अरे 6 महीने से परेशान कर रखा है मेरे बच्चे को। क्या नाम है उनका? नाजिम रजा नाम है इसका। नाजिम ने बड़े बड़े वादे करके मेरे बच्चे से शादी करी थी। अरे लड़के को मैं पास ना बैठने देता हूँ, मेरी बच्ची का अल्लाह। आप रोइए मत। क्या नाम है बच्ची का? तमसील जहरा नाम है मेरे बच्चे का। अल्लाह क्या होगा। अरे मेरे बच्चे जितना भी यार पता था दरवाजा खटखटाया एक बार यहाँ से गुजरने दे। अरे मैंने क्यों बोला ये कौन है भैया कौन है? बोली मेरे घर वाले जैसे वहाँ घर है मेरे घर जाके भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो सच है।